अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया हुआ है एक इनइक्वालिटी दी गई है। सबसे पहले हमें पता है कि जो इवन फैक्टर्स होते हैं, इवन पावर होते हैं जिनके, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और जो फाइनल इक्वेशन बनती है हम उसको लिखते हैं। तो हमने लिखा x प्लस 2 x प्लस 3 होल डिवाइड बाई x माइनस 7 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको एज इट इज नंबर लाइन पर रखते हैं तो माइनस 3 माइनस 2 एंड 7। राइट हैंड साइड से प्लस माइनस अल्टरनेटिव प्लस माइनस शुरू कर देते हैं। हमें सिंस यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि माइनस 3 से माइनस 2 की वैल्यूज चाहिए हमें एंड 7 से लेकर इन्फिनिटी की वैल्यूज चाहिए। अब देखते हैं माइनस 2 और माइनस 3 ऊपर की साइड है, मतलब अगर हम माइनस 3 और माइनस 2 को पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए हम इनको क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे। यूनियन 7 सिंस नीचे है तो हमें ना इसको ओपन ब्रैकेट करें, क्योंकि अगर ये 7 हो गया तो ओवरऑल इन्फाइनाइट बन जाएगा, क्योंकि गलत बात है, इन्फाइनाइट पर हम ओपन ब्रेसेस रखते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि इवन जो फैक्टर्स हैं वो कहीं इसमें इंक्लूड हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। सिंस हम 1 रख देंगे तो इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगी, तो हम इसको यूनियन कर देंगे 1 से। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंस ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं, ये सभी पर 7 पर क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ, इस वजह से हम इसमें बोनस आपको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन हमें फिगर से करना था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा था कि ED वेक्टर की वैल्यू बतानी है। हम फिगर को देखते हैं, तो फिगर को हमने देखा कि ये जो ADE ट्रायंगल है तो उसमें देख पा रहे हैं कि ये रहा आपका ED वेक्टर। सिंस यहाँ पर हमने देखा कि एक ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी लगाएंगे, वी लॉजिक भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या हो जाएगा ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो ED वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेक्टर कौन सा है इसमें, बी वेक्टर, और इनिशियल वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर। हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा बी माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड पार्ट। बात करते हैं टेंथ की। टेंथ देखिए, टेंथ में थोड़ा सा लॉजिक है। टेंथ में आपके GH वेक्टर की वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रही कैसे होगी। सिंस ये वेक्टर है, एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है इसमें, तो हम बोल पाएंगे कि जो आपका GEH ट्रायंगल है उसमें हम बोल पाएंगे कि H वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस जी एच वैक्टर ये क्या होगा, जीरो। सिंस साइकिल कंप्लीट हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम बोल पाएंगे कि जी एच की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस एच वैक्टर माइनस जे वैक्टर। ये हम अपनी पास अपने पास रख लेंगे। फिर हम बात करते हैं एफ जी वैक्टर की। एफ जी वैक्टर की वैल्यू क्या होगी, एफ जी वैक्टर हम फिगर में देखें तो एफ जी वैक्टर जो होगा ये आपका जी प्लस एच वैक्टर हो जाएगा। जो एफ जी वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी जी वैक्टर प्लस एच वैक्टर, दोनों को ऐड करेंगे हम। तो जैसे ही ऐड करेंगे एफ जी वैक्टर प्लस जी एच वैक्टर तो हो जाएगा माइनस एच वैक्टर माइनस जे वैक्टर प्लस जी वैक्टर प्लस एच वैक्टर, एच वैक्टर से एच वैक्टर कट जाएगा तो आ जाएगा जी वैक्टर माइनस जे वैक्टर, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की। क्वेश्चन नंबर 11 एक पैराग्राफ क्वेश्चन है जिसमें एक है ना आपको मॉड का ग्राफ बनाना, इस मॉड के ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। है क्या ये एक्स माइनस टू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ना ग्राफ बनाना था मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। हम इसे ग्राफ बना लेंगे तो बाकी सारे सवाल हम कर पाएंगे। हम इसे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 1 3 और 5। हम 1 पुट करते हैं, जैसे हमने 1 पुट किया ये पार्ट हो जाएगा 0, ये पार्ट हो जाएगा 2, सिंस मॉड लगा हुआ है माइनस 2 पे मॉड हो जाएगा तो 2, 1 रखेंगे तो इधर हो जाएगा 4, 1 रखने पर ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, ऐड करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा 6, 3 रख के देखते हैं, 3 रखा तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0 और 3 रखने पर ये आ जाएगा 2, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 4 जो कि नीचे आएगा। 5 रखते हैं, 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 रखेंगे ये आ जाएगा 2, 5 रखेंगे आ जाएगा 4, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 6। 0 रख के देखते हैं, 0 रखा तो ये हो जाएगा 1, पहला वाला 1 हो जाएगा, दूसरा वाला 3 हो जाएगा और तीसरा वाला 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो 0 रखने पर ये आ जाएगा 9। इस ग्राफ को मिलाएंगे, सिमिलरली हम एक और वैल्यू रख के देख सकते हैं तो ये ऊपर की साइड चला जाएगा। तो ग्राफ कुछ हमें इस तरीके का दिखाई देगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे पॉइंट हमें 3 रखने पर आया था वो 4 आया था, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। तुम देख पा रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, हम बोल पाएंगे सबसे नीचे एफ एक्स क्या मिल रहा है हमें, 4 मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम बोलें कि सिंस ये क्या है 1 अपॉन में कुछ बड़ी वैल्यू,
कोई बहुत बड़ी वैल्यू, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो हमेशा वन से छोटी आएगी। वन से छोटी आएगी तो हम एक लाइन बनाएंगे वन के वन पर, वन से छोटी कोई भी एक वैल्यू लाइन बना लेंगे जो कि इसको कहीं भी कट नहीं करेंगे, तो हम बोल पाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी नो सॉल्यूशन, मतलब जीरो। बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट का मतलब होता है जहां पर हम ग्राफ में शार्प टर्न को देख पाए, शार्प टर्न हम कहां देख पा रहे हैं, एक्स इक्वल टू वन पर, एक्स इक्वल टू थ्री पर और एक्स इक्वल टू फोर पर। हम देख पा रहे हैं कि तीन पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर इसके नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट आएंगे, तो हम बोल पाएंगे कि ये थर्ड पार्ट आपका सही होगा। 16th की बात करते हैं, 16th में आपको दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है आपको, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला वाला देखते हैं, पहला वाला पूछ रहा है f of mod of fx की बात कर रहे हैं। तो mod of fx में हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा हो जाता है, ये ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है, तो हम बोल पाएंगे कि ये वाला ग्राफ ऊपर की साइड हो जाए तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन में दिया है कि सेम ग्राफ है, सब कुछ सेम है, बस नीचे वाला पार्ट ऊपर की साइड आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। अगली बात करते हैं, अगली बात हमारी होती है कि f of mod x का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब नेगेटिव x एक्सिस वाला जो पार्ट होता है वो निगलेक्ट हो जाता है और पॉजिटिव x एक्सिस वाले की कॉपी नेगेटिव में बन जाती है। तो वो देखते हैं कि ये वाली कॉपी हमारी इस साइड होनी चाहिए। देखिए आप सेकंड पार्ट में, तो जैसा ये ग्राफ है वैसा ही ग्राफ हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, तो ये भी ऑप्शन सही है। माइनस की बात करते हैं, तो माइनस में क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट नीचे जाता है और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, तो देखते हैं कि ये वाला पार्ट ऊपर हो जाए ये वाला पार्ट नीचे हो जाए, तो देख रहे हैं इसमें आ रहा है। देखिए नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया, ये भी सही है, तो इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही। फिर आखिरी ऑप्शन देखा हमने कि ऑल ऑफ दिस, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल देखते हैं, तो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल हैव दिस प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी क्या है, f of mod x = fx = f of -x। हमें इस तीनों को सेटिस्फाई कराना, देखते हैं हम बिना ग्राफ के भी बना सकते हैं इसको, पर हम सिंस ग्राफ पर बेस ज़्यादा हमने सवाल किया तो हम ग्राफ से कोशिश करेंगे। साइन एक्स की बात करते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, f ऑफ मॉड एक्स बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा, सेम टू सेम ग्राफ बन जाएगा, तो जो कि हम देख रहे हैं वो माइनस एफ एक्स का, ये एफ एक्स के ही बराबर नहीं, इसीलिए साइन एक्स को गलत हो जाएगा, साइन एक्स का ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉस एक्स की बात करते हैं, तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। मॉड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट निगलेक्ट करेंगे, राइट हैंड की इमेज बनाएंगे, तो सेम टू सेम कॉस एक्स वैसा ही दिखाई देगा जैसा होता है, ये एफ एक्स के ही बराबर आ रहा है, मतलब एफ ऑफ मॉड एक्स भी एफ एक्स के बराबर आ रहा है। माइनस ऑफ एफ एक्स की बात करें तो लेफ्ट हैंड की जो इमेज होती है राइट हैंड पे आ जाती है, राइट हैंड की इमेज लेफ्ट हैंड पे आ जाती है, तो सेम कॉस एक्स सिमेट्रिक है तो वो भी ग्राफ कैसा बन जाएगा, सेम टू सेम हम बोल पाएंगे कि ये सही होगा। टेन एक्स में देखेंगे तो टेन एक्स नहीं हो पाएगा और ऑल ऑफ दिस तो फिर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा कॉस एक्स। 18th की बात करते हैं, 18th बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल हैव देयर दिस प्रॉपर्टी fx = mod of fx। हम सारे ऑप्शन में देखें ए बी सी ऑप्शन में, तो हम देख पा रहे हैं कि मॉड प्लस मॉड प्लस मॉड, तीन पॉजिटिव नंबर का एडिशन हमेशा पॉजिटिव आता है, मॉड प्लस मॉड दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन हमेशा पॉजिटिव आता है, एक पॉजिटिव नंबर अकेला हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो अगर हम उस पर मॉड लगा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी हमेशा सेम रहेगा, ये भी हमेशा सेम रहेगा, ये भी हमेशा सेम रहेगा, तो बोल पाएंगे कि फाइनल आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला था कि टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना, उस पर मॉड लगा दो, तो हम टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो हमने ग्राफ बनाया तो टेन इनवर्स एक्स का ये हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा π/2। ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा कि यहाँ से ऐसा और ऐसा, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। मॉड लगाना है तो इसका मतलब हमें जो नेगेटिव वाई एक्सिस पर वैल्यू होगी उसको ऊपर की साइड हमें मॉड को पहुंचा देना है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ऐसा हमेशा -π/2 पर असिम्प्टोट बनेगी और ये कुछ ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा, ये हो जाएगा π/2 पर असिम्प्टोट बनेगा और -π/2 पर इस पर बनेगा। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन हमें दिख जाता है ये वाला, तो हम बोल देंगे कि पहले ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं 20th क्वेश्चन बोल रहे हैं ग्राफ बताना हमें -ऑफ sin 2x, तो हम पहले बनाएंगे साइन एक्स, फिर बनाएंगे साइन ऑफ 2x और फिर हम बनाएंगे -ऑफ sin 2x। तो साइन एक्स का ग्राफ हमको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके का बनता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा 0π, ये हो जाएगा 2π, नेगेटिव एंड साइड पे भी सेम काम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -π और ये हो जाएगा -π। ओके, अब हम
2x का बनाएंगे। तो 2x को जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है, हम सिंस इसमें x में 2 का मल्टीप्लाई है तो x एक्सिस में हमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये होता है पाई बाय 2, है ना। तो ओवरऑल हम डिवाइड कर देंगे 2 का, फिर से 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड और 2 का डिवाइड। तो ये ग्राफ जो फाइनल जो ग्राफ बन जाएगा वो अभी साइन ऑफ 2x का बनेगा, वो हो जाएगा कुछ ऐसा। तो जो पॉइंट्स होंगे बस पॉइंट्स में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगे, ये हो जाएगा पाई बाय 4 और ये हो जाएगा पाई बाय 2 और ये हो जाएगा पाई। हम बोल सकते हैं कि जो ग्राफ है वो श्रिंक हो गया थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस का पाई बाय 4, है ना। इस तरीके का आपका काम करेगा। माइनस ऑफ 2x की बात करें तो ये वाला ग्राफ इस साइड चला जाए और ये वाला ग्राफ इस साइड चला जाए, तो हम बोल पाएंगे कि माइनस का जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस मैच करा लेते हैं हम डायरेक्ट ऑप्शन से। तो जो हमारा ग्राफ बना है कुछ ऐसा है, तो ये वाला पार्ट इस साइड होना चाहिए, मतलब ये ऐसा ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब देखते हैं, हाँ जी, पहला ऑप्शन तो यही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, ये तो हमने साइन ऑफ 2x का बनाया, हमें चाहिए माइनस ऑफ साइन 2x का। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन में है, हम बोल पाएंगे कि सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, अभी मैंने बताया आपको कि अगर ये x क्वेश्चन में अगर x प्लस 1 होता और ये x होता और x माइनस 1 होता तो हम बोल पाते कि ये c पार्ट सही है, मगर अगर x माइनस 1 है तो अगर हम b पार्ट पे अगर ध्यान दें तो दोनों साइड x माइनस 1 है, बिल्कुल सही है। अगर ये x माइनस 1 हो यहाँ पर और x हो और फंक्शन डिक्रीजिंग हो, तो हम देखेंगे कि अगर ग्राफ है तो जो f ऑफ x माइनस 1 होगा वो हमेशा बड़ा होगा एफ एक्स के, चाहे क्वेश्चन में देखें ऐसे में देखें चाहे ऐसे में देखें, ये ऑप्शन हमेशा सही आ रहा है। तो इसका मतलब हम बोल पाएंगे कि फाइनल आंसर जो होगा फर्स्ट का वो हो जाएगा बी पार्ट।